हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी क्लास 12 जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, एक और उसका MySQL से रिलेटेड क्वेश्चन, या कहा जाए एक पूरी 10 मार्क्स की टेबल जो कि हमारे 2019 के ही एक दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर आई थी, क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक टेबल ट्रांसपोर्टर पूरी सॉल्व कर ली थी। आज उसी के एक और सेट जो कि था हमारा पर्टिकुलरली सेट नंबर 4 आपके सामने मेंशन है, उसका पर्टिकुलर कोड है 90, जिसमें आई हुई टेबल आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज जिम टेबल। मैं आपको शो करता हूं हमारी टेबल जो कि हमारे एक तरीके के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है एंड पूरी की पूरी 10 मार्क्स की। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन, कंसिडर द टेबल गिवन बिलो, राइट स्किल क्वेरीज फॉर द पार्ट फ्रॉम 1 to 8 एंड आउटपुट फॉर द पार्ट 9, 10, 10। क्लब जिम टेबल हमारे पास में है एंड साथ साथ में आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, 1 mark questions all 10, यानी कि यहां तक हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस हमें हमारे प्रैक्टिकल में सॉल्व करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट की पर्टिकुलर हमारी विंडो एंड इस साइड मैंने वही हमारी जो जिम टेबल है वो ओपन करी हुई है। आप देख सकते हैं मैंने उसका वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया ताकि थोड़े से फॉन्ट अप्रोप्रिएट हो जाएं और वीडियो के अंदर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इन चीजों को देखने में। क्लियर? तो ये तुम्हारा पूरा टेबल कंटेंट विद ऑल द 10 क्वेश्चंस मेंशन, 1 mark क्वेश्चंस है। मार्किंग मैंने हटा दी है, मैं आपको बोर्ड के पेपर्स की जो कॉपी है उसके अंदर दिखा दिया कि सारे क्वेश्चन कितने मार्क के हैं, 1 mark ईच। अब बात करते हैं, ये हमारा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन है और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पर पर्टिकुलरली हमारी टेबल क्रिएट कर रखी है विच इज पर्टिकुलरली जिम। मैं आपको एक बार इसको पूरा एनलार्ज करके और पूरी कंप्लीट टेबल आपको शो कर देता हूं कि जो हमारी टेबल किस तरीके के व्यू में है। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, प्री वेट, करंट वेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर एंड ब्रांच। क्लब इनके डेटा टाइप अकॉर्डिंगली हमने सेट करे थे जैसे यहाँ वैल्यूज है। यहाँ पर अगर कहा जाए रजिस्ट्रेशन आईडी की जो हमारी वैल्यूज है वो है इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर में साइज दिया हमने 5। नेम ऑब्वियसली वेरकेट टाइप में, साइज आपकी चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। प्री वेट और करंट वेट आपके दोनों इंटीजर टाइप के, क्योंकि वेट्स किस में दिए हुए यहाँ पे, एक कन्वर्टेड और विदाउट डेसिमल फॉर्मेट इंटीजर्स के फॉर्म में ही बताए हुए, हमने इंट यूज करा है। डीओजे दैट इज पर्टिकुलरली डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिस डेट पर आपने पर्टिकुलरली जिम ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ बताइए। जेंडर हमें दे रखा है मेल फीमेल्स के लिए एंड ब्रांच बताई हुई है कि आपने कौन सी वाली ब्रांच को ज्वाइन किया है। क्लियर? ये विंडो जो है अभी यहां पर बड़ी थी, मैं आपको अकॉर्डिंगली जब भी आउटपुट्स में प्रॉब्लम आएगी मैं आपको शो करता रहूंगा इसी तरीके से मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करके। आपके सामने टेबल पूरी ओपन है, कंफ्यूजिंग नहीं है, वही रजिस्ट्रेशन आईडी के जस्ट नीचे ब्रांच आ गई, यानी कि 1001 वाली वैल्यू तो है आईडी और ये जो आदर्श विहार वैल्यू है वो है इसी 1001 वाली का, जो भी पर्सन है उसने जहां पर ज्वाइन कर रखा है उसका ब्रांच। क्लियर? तो ये जस्ट फर्स्ट रो ही है, यहां पर कंप्लीट होती है। हम बात करते हैं, हम तो वैसे भी हमें यहां पर क्वेरीज लिखनी है और हम हमारी टेबल का व्यू यहां से देखकर चलेंगे हमारे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में से। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमें यहाँ पर सॉल्व करके चलना है। अब आप लोगों को चीजें समझनी होंगी, आपको क्वेश्चन समझकर चलने होंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हम इनको सॉल्व करेंगे और इनको क्रिएट करके चलेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ मेंबर्स अलोंग विद देयर प्रीवियस एंड करंट वेट who are in model town branch। friends, बहुत important चीज़, question break करना आना चाहिए। to display means अगर हम बात करके चलते हैं तो हमारी query किसकी है, select की command हम लोग यहाँ पे solve करके चल रहे हैं। आप जो columns हैं वो हमें यहाँ पर select करने हैं जो कि दिया हुआ है names of member, लेकिन names of members की जगह जो heading है वो तो क्या कहती है, name की heading है, its name itself एंड साथ साथ में क्या चाहिए, अलॉन्ग विद प्रीवियस एंड करंट वेट, यानी कि प्री वेट चाहिए और करंट वेट को जो लिखा हुआ है CURR वेट वो हमें चाहिए। तो हमारी एक हेडिंग यहाँ पे हो जाएगी प्री वेट एंड दूसरा जो हमें यहाँ पे चाहिए CURWEIGHT करंट वेट। कौन सी टेबल है फ्रेंड्स हमारी, ये टेबल जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज पर्टिकुलरली जिम। हमने अप्लाई करा, एंटर की प्रेस कर दी। अब आगे बात करते हैं कंडीशन की, कंडीशन क्या है, हु आर इन मॉडल टाउन ब्रांच, यानी कि ब्रांच के ऊपर हमें जो कंडीशन दी है वेयर ब्रांच जो हमें कॉलम के बारे में बता रखा है विल बी इक्वल्स टू, आपके सामने है क्या नेम है यहां पर मॉडल
टाउन, यानी कि जो भी मॉडल टाउन वाले ब्रांच में जो भी पर्सन जिमिंग करता है या जो भी मॉडल टाउन ब्रांच के अंदर है जिसने ज्वाइन कर रखी है, उसका हमें एक तो नाम चाहिए, प्री वेट एंड करंट वेट चाहिए, यानी कि एक दो तीन, आपके सामने तीन वैल्यू मॉडल टाउन वाली है, फवाद खान है, नेक्स्ट हमारे पास में सुप्रिया अरोरा है, एंड नेक्स्ट हमारे पास में लक्ष्मी वेंकट है, क्लियर। एंड उनके वेट्स हमारे सामने आते जाएंगे, हम आंसर चेक कर लेते हैं आपके सामने है, क्लियर। तीनों पर्सन ऐसे हैं जो कि हमारे पास कौन से मतलब ब्रांच वाले हैं, मॉडल टाउन ब्रांच वाले, एंड अकॉर्डिंगली उनका प्री वेट एंड करंट वेट यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं 9280, आप देख सकते हैं 113 100, एंड आप देख सकते हैं 98 and 95, क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, टू डिस्प्ले ऑल नेम्स ऑफ मेंबर्स प्रीवियस वेट करंट वेट एंड चेंज इन वेट, यानी कि अभी तक तो यही चीज निकाली थी हमने, हमें यही चाहिए, बट साथ साथ में क्या चाहिए, चेंज इन वेट करके एक नया कॉलम बनेगा, हाउ मच इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस वेट और डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस वेट। पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक नया कॉलम यहां पर क्रिएट करना है आपके MySQL में, जिसमें व्हाट यू आर गोइंग टू शो, एक चेंज इन वेट नाम से कॉलम हम यहां पर बनाकर शो करेंगे, एंड वो कैसा होगा, आप उसमें दिखा सकते हैं कि आपका वेट इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन वहां पर इंपैक्ट में अपने आप आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं हम लोग हमारी क्वेरी यहां पर MySQL के अंदर। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने अप एरो की का यूज करके ही हमारी क्वेरी ले ली, बिकॉज हमें क्या क्या चीज चाहिए थी फ्रेंड्स, टू डिस्प्ले नेम ऑफ मेंबर्स, नेम आ गया, प्रीवियस वेट यानी कि हमारा प्री वेट आ गया, एंड करंट वेट हमारा करंट वेट आ गया, क्लियर। अब चेंज इन वेट नाम का कॉलम यहां बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखाता हूं। ये फ्रॉम जिम हम हटा देते हैं, मैंने कॉमा अप्लाई करा, अब जो मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक्चुअली वेट में चेंजेस कितना हुआ है ये पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कर वेट माइनस प्री वेट। हमने एक पर्टिकुलर कमांड यहां पर क्रिएट करी है, हमने कर वेट में से किसको माइनस करा फ्रेंड्स, प्री वेट को माइनस करा, एज अब हम यहां पे नाम दे देते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, वो नाम क्या कहलाएगा हमारा, अलायस नेम कहलाता है, चेंज इन, आपके सामने वहां नीचे आ गया है वो, चेंज इन वेट के नाम से ये कॉलम बनेगा, ठीक है। फ्रॉम कौन सी टेबल है फ्रेंड्स हमारी, जिम हमने अप्लाई करा। मैं आपको एक बार पूरी क्वेरी शो करता हूं कि मैंने क्या क्वेरी लिखी आपके सामने है। एक्चुअली हमें यहां पे एक चेंज इन वेट नाम से कॉलम बनाना था, तो मैंने वही चीज क्रिएट करी है। सबसे पहले नाम चाहिए था, हमें प्री वेट यानी कि प्रीवियस वेट चाहिए था, करंट वेट चाहिए था, और जो इसके बाद में चेंज हुआ है वो बताना है। तो प्रीवियस से करंट में जो भी चेंजेस आए वो चेंज निकालने होंगे, तो वो सॉल्व कैसे होता है, यहाँ पे कमांड्स में कैसे लगेंगे, हमने करंट वेट वाले कॉलम की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कराया किसको, प्रीवियस वेट वाली वैल्यू को, प्री वेट वाली वैल्यू को कर वेट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो अब इसके बाद में एज इसका नाम क्या दिया हमने, चेंज इन वेट फ्रॉम जिम टेबल। आउटपुट चेक करते हैं, आपके सामने है हर एक जने का जो वेट चेंज है वो आपके सामने शो हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के चेंजेस हैं, या 115 है या 98 है करंट वेट यानी कि नेगेटिव, फिर 92 से 80 हुआ नेगेटिव, 85 से 80 हुआ नेगेटिव, 113 से 100 हुआ नेगेटिव, एक में इंक्रीज हुआ 67 से 75 इंक्रीज, और बाकी सारे नेगेटिव है, क्लियर फ्रेंड्स। ये था हमारा आउटपुट नंबर सेकंड, और सेकंड कमांड हमारी पूरी सॉल्व है। नेक्स्ट इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है फ्रेंड्स, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू डिस्प्ले ब्रांच वाइज काउंट ऑफ मेंबर्स इन द जिम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें काउंटिंग हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, सम या एवरेज कुछ कैलकुलेशन करनी हो, या पांच फंक्शन पर कोई भी क्वेश्चन हो विद अ पर्टिकुलर कॉलम मेंशन्ड, जो कि यहां पे मेंशन्ड है, तो इसमें हमेशा फ्रेंड्स कौन सा कीवर्ड या कौन सा क्लॉज लगता है, इसे हम कहते हैं ग्रुप बाय क्लॉज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ब्रांच के अकॉर्डिंग मेंबर्स की काउंटिंग चाहिए। जैसे एक मेंबर मॉडल टाउन, दो और तीन, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक तरफ तो मॉडल टाउन लिखा हुआ और एक तरफ सामने उसकी काउंटिंग, दैट इज 3, क्लियर। दूसरा आदर्श विहार, और फिर से आदर्श विहार 2, और निर्मल नगर, निर्मल नगर में 2, क्लियर। तो ये आंसर बनेगा कैसे, ये क्वेरी अप्लाई कैसे होगी, ये आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हमें दे सकती है कौन सी क्वेरी हमारी फ्रेंड्स, ग्रुप बाय की कमांड। तो अप्लाई करते हैं, अब हम हमारी ग्रुप बाय की कमांड को कैसे लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट, एक तरफ तो हमें चाहिए ब्रांच, क्लियर फ्रेंड्स, कॉमा, दूसरी तरफ हमें चाहिए इसमें काउंट ऑल, हम वहां पे मेंबर्स की काउंटिंग करके चलेंगे, हमने काउंट ऑल अप्लाई करा, क्लियर। कौन सी टेबल से फ्रेंड्स, ये है हमारा जिम टेबल, तो हमने अप्लाई करी हमारी क्वेरी, सिलेक्ट ब्रांच कॉमा काउंट ऑल फ्रॉम जिम, कंडीशन अप्लाई करी, तो कंडीशन डायरेक्टली कुछ नहीं है, सीधा हमारा क्या चीज है यहाँ पे, ग्रुप बाय किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप जो ग्रुपिंग करेंगे वो ग्रुपिंग होगी हमारी किसके अकॉर्डिंग, हमारे
ब्रांच के अकॉर्डिंग, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमने वहां पे ग्रुप बाय ब्रांच अप्लाई करा। जैसे हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे, आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, हमारा आउटपुट क्या होगा आपके सामने है। हमारी सबसे पहली ब्रांच हमने यहाँ पे पिक करी आदर्श विहार, आउटपुट है 2। हमारी सेकंड ब्रांच है मॉडल टाउन, आउटपुट है 3। हमारी तीसरी ब्रांच है निर्मल नगर और आउटपुट है 2। क्लियर, आपके सामने जो भी हमने जैसे भी क्वेरी अप्लाई करी थी हर ब्रांच के अकॉर्डिंग, कितने पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं उसके, वो कहां कहां पर है, किस ब्रांच में है और कैसे है, उसकी काउंटिंग हमारे सामने मौजूद है। बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। आप देख सकते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है To display names and date of joining. अब बहुत important चीज़ है, एक तो name चाहिए और एक date of joining चाहिए of all members who joined in the year 2018. अब एक बड़ी problem friends यहाँ पे सिर्फ year दिया है 2018. तो condition बनाना थोड़ा सा complicated हो जाता है कई बार, लेकिन ये output दो तरीके से possible है। हम यहाँ दो तरीके की condition बना सकते हैं, apply करते हैं, मैं आपको condition बताता हूँ। हम जो conditions पहले बना सकते हैं, start करते हैं हमारा select क्वेरी में क्या क्या चीज चाहिए फ्रेंड्स। एक तो नेम चाहिए और एक हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है ये रहा, टू डिस्प्ले नेम्स एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्लियर। कौन सी टेबल से, फ्रॉम जिम। नेक्स्ट लाइन में आए, अब कंडीशंस कैसे बनेगी, वेयर आप कंडीशन दे सकते हो डीओजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में दे दीजिए 2018-01-01, यानी कि 1st of January 2018 से लेकर डीओजे आप दे सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर 2018-12-31, यानी कि 31st of December 2018 तक, यानी कि 1st of January की डेट से 2018 में और 31st of December की डेट में 2018 में, जिसने भी यहां पे रजिस्ट्रेशन या जिसकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें से होगी, आप उसका नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक कर सकते हैं। आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, आप देख लीजिए सारे 2018 वालों के आउटपुट या आंसर्स यहां पे सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें, आप बिटवीन लगा सकते हैं, वे ऑफ डीओजे बिटवीन पहली वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू सीधी सीधी। लेकिन इसकी जगह फ्रेंड्स इसका एक और अल्टरनेट और सबसे बेस्ट अल्टरनेट जो कहा जाए वो हो सकता था हमारा, हम अप्लाई करते हैं वे ऑफ डीओजे लाइक, क्लियर फ्रेंड्स। अब ये डेट का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है, आगे की चार डिजिट हमेशा क्या बता रही है, सारे डेट्स में ईयर बता रही है। तो मैंने पहले चार डिजिट्स पे लिख दिया 2018 और फिर लगा दिया हमारा परसेंट का साइन, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर सिलेक्शन पैटर्न मैचिंग, यानी कि जिसके ईयर की वैल्यू 2018 होगी उसका तो आंसर सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे हमारे फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। एंटर की प्रेस करके आउटपुट चेक करते हैं, आप देख सकते हैं वही चारों हमारे आंसर ऐसे कैसे हैं, आपके सामने सिमिलर आउटपुट्स मौजूद है कि 2018 में ज्वाइन करने वाले सारे मेंबर्स की डिटेल्स यानी कि नाम और डीओजे आपके सामने मौजूद है, क्लियर। बात करते हैं हमारे फिफ्थ कहते हैं क्वेश्चन की, टू डिस्प्ले नेम्स एंड करंट वेट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ करंट वेट। ऑर्डर बाय के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल सा अप्लाई कर देते हैं हम लोग ऐसा कैसा, एक तो हमें नेम चाहिए, दूसरा हमें यहां पे डीओजे की जगह जो चाहिए दैट इज कर वेट, यानी कि आपको करंट वेट चाहिए, फ्रॉम जिम हमने अप्लाई करा और अब हमें करंट वेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। तो हम अगली लाइन में क्वेरी अप्लाई करते हैं, हमारा ऑर्डर बाय किस कॉलम के अकॉर्डिंग, कर वेट के अकॉर्डिंग, और क्या ऑर्डर है फ्रेंड्स हमारा, डीईएससी डिसेंडिंग इज द ऑर्डर। आपके सामने आउटपुट है, आप देख सकते हैं करंट वेट सबसे ज्यादा है, पहले 100 वो हमने अप्लाई करा, फिर 98 है, फिर 95 है, 280s है, 280s में प्रॉब्लम ये थी कि कैसे अप्लाई होगा, तो नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है वहां पे अरेंजमेंट करा, या आप कह सकते हैं जो पर्टिकुलरली वैल्यू पहले मिल गई वो पहले रख दी, जो बाद में मिली वो बाद में मिल गई, क्लियर। नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 71, पूरा डेटा अरेंज है, यानी कि करंट वेट के अकॉर्डिंग हमारा ये आउटपुट क्या हो चुका है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, क्लियर। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। आप देख सकते हैं टू डिस्प्ले द नेम्स एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेल मेंबर्स हु हैव जॉइंड आफ्टर 27th September 2018। अब दो कंडीशन है फ्रेंड्स यहाँ, एक तो मेंबर्स क्या होने चाहिए मेल, और यानी कि जेंडर के ऊपर कंडीशन हो गई एम, एंड कीवर्ड लगेगा बीच में, मैंडेटरी कंडीशन है डेट क्या होनी चाहिए 27th of September 2018, यानी कि 2018-09 लिखेंगे सितंबर को, 27 की डेट देकर चलेंगे। अप्लाई करते हैं हमारी कंडीशन को, यूज करते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से वर्क करेगा देखते हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए थी, एक तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो हमें चाहिए इस वाले क्वेश्चन में आपका नेम हमें यहाँ पर चाहिए एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए। हमने अप्लाई कर क्या कहते किया है यहाँ पर, सिलेक्ट नेम कॉमा डीओजे फ्रॉम जिम, क्लियर। एंटर की प्रेस करी, वे ऑफ पहली कंडीशन तो क्या है, जेंडर के ऊपर हमारी कंडीशन दी हुई है, हमने जो अप्लाई करना है यहाँ पे दैट इज जेंडर इज इक्वल्स टू हम देकर चलेंगे मेल, क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, डीओजे
सिर्फ फ्रेंड्स किसके बारे में बता रखा है, हु हैव जॉइंड आफ्टर, ताकि उस डेट पर भी नहीं उसके बाद की कंडीशन है, तो ग्रेटर देन में कंडीशन देंगे आफ्टर की। और डेट क्या लिखनी है हमें, 2018 पहले ईयर, फिर 09 दैट इज द मंथ एंड द डे जो हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है। आपके सामने एंटर की प्रेस करी, सिर्फ एक ही ऐसा पर्टिकुलर मेंबर है इस पर्टिकुलर 2018 वाले जो मतलब जो हमारा ईयर था उसके अंदर, जिसने इस डेट के बाद एज अ मेल ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे पूरी चीज क्लियर है। एक तो आपको मेल चाहिए, एक आपको साथ साथ में क्या चीज चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला रिकॉर्ड चाहिए। क्लियर? तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ एक जने ने करा था, इस पर्टिकुलरली फवाद खान। क्लियर? बात करते हैं फ्रेंड्स अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। टू डिस्प्ले जेंडर वाइज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है फिर से। एक तो जेंडर आना चाहिए मेल और फीमेल, और प्लस साथ साथ में मैक्सिमम करंट वेट, यानी कि मेल वालों में सालों में मैक्सिमम करंट वेट किसका है और फीमेल वालों में मैक्सिमम करंट वेट किसका है वो बताना है। यानी कि अब कुछ आउटपुट ऐसा बनेगा, एक तरफ तो जेंडर होगा MRF और एक तरफ होगा उसका मैक्सिमम करंट वेट। तो मैंने अभी आपको इन्हीं लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब हमने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जब काउंट मैक्सिमम मिनिमम, या अगर बात करी जाए क्या कहते हैं आपका सम, आपका एवरेज, इस तरीके के फंक्शंस मिलते हैं, उसमें यूजुअली वो क्वेरी किसके ऊपर बेस्ड होती है फ्रेंड्स, ग्रुप बाय के ऊपर। तो अप्लाई करते हैं हम लोगों को यहाँ पे जो हमारी क्वेरी यूज करके चलनी है, दैट इज पर्टिकुलरली सिलेक्ट। एक तो हमें कौन सा कॉलम डिस्प्ले कराना है वैल्यू के लिए, जेंडर कॉमा। दूसरी चीज हमें करानी है मैक्स ऑफ, कौन सा कॉलम पर है फ्रेंड्स, ये करंट वेट के ऊपर, कर वेट वाला कॉलम इसके अंदर लिख के चलते हैं हम लोग। क्लियर? कौन सी टेबल, फ्रॉम जिम। अब हमें क्या चीज करनी है यहाँ पे, अप्लाई क्या करना है हमारे पास में, क्या चीज यूज में आने वाली है, दैट इज ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय लगेगा, क्योंकि या तो मेल सिलेक्ट होंगे या फीमेल सिलेक्ट होंगे और उनका उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करंट वेट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं फीमेल्स की कैटेगरी में जो हाईएस्ट करंट वेट की कैटेगरी है एफ में 100, तो मैक्सिमम आया 100, और मेल्स की कैटेगरी में 1, 2, 3, 4 मेल है, आप हाईएस्ट वेट देख सकते हैं, यहाँ 80 जा रहा है, यहाँ 80 जा रहा है, दो सी जगह यहाँ 75 है, यहाँ 71 है, तो हाईएस्ट वेट कौन सा है फ्रेंड, यहाँ पे 80 हाईएस्ट वेट है। क्लियर? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने यहाँ पे कवर अप करा या सॉल्व करा। बात करते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। टू डिस्प्ले नेम्स एंड डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेंबर्स हु हैव द नेम्स स्टार्टिंग विद एस एंड एंडिंग विद ए, लाइक ऑपरेटर फिर से हमारा, क्योंकि ये पैटर्न मैचिंग है परफेक्टली वर्क करेगा। अप्लाई करके चलते हैं, हमें क्या चीज लगानी है, हमारी कंडीशंस में हमें क्या यूज करके चलना है, आप चेक कीजिएगा। एक तो हमें चाहिए फ्रेंड्स नेम, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो चीज हमें यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, टू डिस्प्ले नेम्स एंड डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेंबर्स। क्लियर? हमने लिया नेम और डेट ऑफ जॉइनिंग फ्रॉम जिम, एंड की अप्लाई करा वेयर, किसके ऊपर कंडीशन है फ्रेंड्स, नेम की स्टार्टिंग एस से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेम लाइक, आप क्योंकि ये एक साथ है और बीच में एंड कीवर्ड लगा रखा है, इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक ही क्वेरी के अंदर अप्लाई होगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे नेम लाइक एस परसेंट ए। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये क्या चीज हुई, एस से तो हुई स्टार्टिंग नाम की। क्लियर? परसेंट मतलब बीच में कितनी अल्फाबेट हो सकते हैं और कुछ भी आ सकता है, एंडिंग में कौन सा अल्फाबेट चाहिए फ्रेंड्स, ए, स्मॉल में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल में यूज करा। क्लियर? एंटर की प्रेस करते हैं, आप आंसर देख सकते हैं, शीला क्या कहते हैं, सिया इज द नेम एंड सुप्रिया अरोरा इज द नेम, जिसमें हमारे दोनों आउटपुट्स के, आप देखिए इसकी बिगनिंग में एस है और एंडिंग में ए है, इसकी बिगनिंग में एस है यहाँ पर भी और एंडिंग में क्या है हमारे पास में। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आउटपुट हमारे सामने मौजूद है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करके चले, हमें तो यहाँ पे सीधी सी कंडीशन लगानी है और आउटपुट चेक करें, तो अब आप कंडीशन देख सकते हैं, एक तो हमें ब्रांच के साथ साथ में आपको मैक्सिमम प्रीवेट डिस्प्ले कराना है, लेकिन किसका, जिसकी ब्रांच की काउंटिंग लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, यानी कि हम बात करके चल रहे हैं मॉडल टाउन की, कहते जो काउंटिंग है हमारी कितनी है, 1, 2 और 3, तो मॉडल टाउन से रिलेटेड कोई भी वेट नहीं आने वाला, सिर्फ आदर्श विहार और निर्मल नगर वाले मेंबर्स का ही वेट डिस्प्ले होगा। तो क्या चीज होगी, एक तो ब्रांच डिस्प्ले होगी और उनका मैक्सिमम प्रीवेट डिस्प्ले होगा। तो मैक्सिमम प्रीवेट आदर्श विहार की बात करें 115 यहां है और दूसरा आदर्श विहार में 100 है, तो मैक्सिमम प्रीवेट इसका क्या होगा, आदर्श विहार में 115, निर्मल नगर 85 ये रहा, निर्मल नगर 67 ये रहा, तो यहाँ से 85 वाले का आउटपुट आएगा। ऐसा कैसा क्वेरी अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली एक क्वेरी के फॉर्म में दिया हुआ ही है, हमें सिर्फ टाइप करके चलना है ऐसा कैसा, सिलेक्ट ब्रांच कॉमा, हम यूज करेंगे मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर कौन से वेट की बात है, प्री वेट
कौन सी टेबल से लिया गया है फ्रेंड्स, ये फ्रॉम जिम अप्लाई करा हमने, हमारे पास जो कंडीशन है वो दी हुई है ग्रुप बाय, कौन से कॉलम के ऊपर है ब्रांच, और नेक्स्ट लाइन में हैविंग पर कंडीशन दी है हमें हैविंग काउंट ब्रैकेट में ऑल, हमें बोला गया है कि काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है जो ब्रांचेस की है, लेस देन इक्वल्स टू कितनी रहनी चाहिए, टू रहनी चाहिए। आउटपुट देख सकते हैं, आदर्श विहार में वेट गया 115 और निर्मल नगर में वेट गया 85। मैंने आपको आउटपुट पहले ही बताया था 115 ये रहा आदर्श विहार में, और हमारा पर्टिकुलरली निर्माण नगर में आपका वेट ये रहा 85। क्लियर। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, सबसे सिंपल सा सबसे इजी सी हमारी क्वेरी, सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ डेट ऑफ जॉइनिंग कॉमा करके मिनिमम ऑफ डेट ऑफ जॉइनिंग, यानी ये मुझे सबसे बड़ी डीओजे और सबसे छोटी डीओजे यहाँ से सिलेक्ट करके बतानी है। आउटपुट में चेक करके चलते हैं क्या हमारे पास में कॉपी पेस्टिंग का ऑप्शन अलाउड है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्वेरी को। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके एडिट में वी हैव ऑप्शन ऑफ पेस्ट, हमने अप्लाई करा, बट शायद तक ये फंक्शंस में एरर दे देगा बिकॉज यहाँ पे स्पेसेस अलाउड नहीं होते, फंक्शंस के इन ब्रैकेट्स के नेम के बीच में अपन स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। आउटपुट चेक करते हैं, आपके सामने है हमारा आंसर 11th of October 2018 इज द मैक्सिमम डेट एंड 2nd of September 2017 इज द स्मॉलेस्ट डेट। बात करते हैं, आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट तो ये रही, और हाईएस्ट की बात करी जाए तो हाईएस्ट भी उसी के जस्ट नीचे सेकंड नंबर वाला 1002 वाला रिकॉर्ड ये रहा, ठीक है। बाकी सारी डेट्स आप देख सकते हैं सारी की सारी स्मॉल है, 2017 वाली भी मतलब इससे तो बड़ी ही है, और 2018 वाली सारी इस सेकेंड वाले से छोटी। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी टेबल जिम जिसके हमने ये पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। आप 10 के 10 आउटपुट्स यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरे 10 आउटपुट्स को एक के बाद एक कम्प्लीटली सॉल्व करा, जो कि हमारी किस टेबल के ऊपर बेस्ड थे, पर्टिकुलर जिम टेबल के ऊपर बेस्ड, एंड ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 के अंदर सेप्टेम्बर 4 में आई थी। क्लियर। अगर आपको ये सारे आउटपुट्स और आपको क्वेरी अप्लाई करना या क्वेश्चन के आउटकम्स बनाना, क्वेरी बनाना समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।